तेजस्वी यादव जी का कोई नाम जानता है तो नीतीश कुमार जी के कारण, क्योंकि पार्टी 20 सीट पर सिमट गई थी, माननीय नीतीश कुमार जी से गठबंधन करके वो 80 सीट पर आया, उन्हीं को आग दिखाने लगे। 10 साल तक मतलब तेजस्वी यादव का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा है सीएम की कुर्सी पर, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। बिहार में आप देखेंगे कि 25 में 190 से अधिक सीट एनडीए जीतेगी। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कह रहे थे तेजस्वी यादव, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उनके पास जाने से क्या उनको फायदा होने वाला है ये तो आम जनता भी समझ रही है। वो जितना बोलेंगे उतना ही उनकी भद पिटेगी, हम तो यही कह रहे हैं कि कम बोले। और मुरेठा पर भी रोक लग गया है, अब टोपी पहनना है, बैचेस लगाने हैं, कुछ सद्बुद्धि आई है, सद्बुद्धि आई है। अगर 2020 के चुनाव में बेईमानी नहीं होती तो कब का जीत जाते, कब का महागठबंधन की सरकार बन जाती, बेईमानी का आरोप लगा रहे आप लोगों पर। बूथ कैप्चरिंग नहीं करते उनके लट है, अगर गांव में जाकर कैप्चर नहीं करते तो लालू यादव की सरकार नहीं बनती, तो कहने को तो कुछ भी कोई कह सकता है, तो लाठी के बल पर ही सरकार बनाते थे ना। है ना कि अब दरवाजे बंद हो गए हैं, गिरगिराने और फिर कल्याण का पूरा रास्ता बंद कर दिया तेजस्वी यादव ने, उन्होंने और ये तक कहा कि नीतीश कुमार का कॉल आया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगर बात करी तो कुछ हफ्तों से अगर बातें करी तो लगातार बिहार सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ये कह दें कि अब दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार को लेकर। तो तेजस्वी यादव जी का कोई नाम जानता है तो नीतीश कुमार जी के कारण जानता है। अगर तेजस्वी यादव जी लालू यादव के बेटे थे जी। लेकिन लालू यादव जी सीएम रहे हैं, सब चीज रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को कोई नहीं जानता था। आज माननीय जब गठबंधन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको डिप्टी सीएम बनाया, तब से तेजस्वी यादव जी को लोग जानने लगे, और एक बार नहीं दो बार उनको मौका मिला, नहीं तो वो उनकी पार्टी 20 सीट पर सिमट गई थी, माननीय नीतीश कुमार जी से गठबंधन करके वो 80 सीट पर आया, उन्हीं को आग दिखाने लगे। अब कोई व्यक्ति अपने आप को ये समझने लगे कि हम अपने सृजनकर्ता से ही ज्यादा बड़ा हो गए, अगर आप किसी भगवान में विश्वास रखते हैं, आप कहने लगे कि भगवान से ही हम बड़ा है, श्री राम से ही बड़ा है, तो बेवकूफी ही होता है, इसकी उसको उससे ज्यादा क्या टिप्पणी करना। उसी तरह से वो है, मेरी तो यही उनको राय है कि आप इस आए हैं, समाज सेवा में आए हैं, तो जनता का विश्वास जीतिए। आप जो मुरेठा बांधते हैं, हरा हरा गमछा बांधते हैं, जनता आपसे भागता है, जनता में ये जा करके आप समझा। गमछा और मुरेठा पर भी रोक लग गया है, अब टोपी पहनना है, बैचेस लगाने हैं, कुछ सद्बुद्धि आई है, सद्बुद्धि आई है, तो जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां से कुछ सीख के आएंगे। और जब तक वो पसीना नहीं बहाएंगे, उन गांव में, उन बस्तियों में नहीं जाएंगे, उन टोलों में नहीं जाएंगे जहां तक दलित गरीब निवास करते हैं, उन पहाड़ की नीचे नहीं जाएंगे, पगडंडियों पर नहीं चलेंगे, और जब उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, कैसे उन लोग जीवन जीते हैं, वो कैसा पानी पीते हैं, खाली केक काट के जहाज में दिखाने से जनता उनसे कनेक्ट होगी, उनके घर में दलित में उनसे टोली में जाकर के उनके साथ खाना खा कर तेजस्वी यादव जी दिखाएं, तो हम समझते हैं कुछ सीखेंगे, तभी सीख पाएंगे। एक दिन में चांदी के चम्मच लेके आ गए लालू यादव जी के, माननीय लालू यादव जी के बेटे हो गए, डिप्टी सीएम बन गए, ठीक है आप बन गए, लेकिन परिपक्वता नहीं आएगी, आपको एक पद मिला, आप जब तक नेता नहीं बनिएगा, जब तक जनता का विश्वास आपके ऊपर नहीं होगा, तो जनता का विश्वास जीतने के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करने की जरूरत है उनको, अभी समय है, 10 साल 15 साल संघर्ष करें, आने वाला समय में अगर जनता चाहेगी तो उनको भी मौका मिलेगा सबके लिए। 10-15 साल संघर्ष करने, बड़ी बात कह रहे हैं आप, तो एक दिन में नहीं होता है। लालू यादव जी अगर किसी का नाम है, माननीय लालू यादव जी, तो एक दिन में लालू यादव जी नहीं बने। लालू यादव जी ने 74 का आंदोलन देखा, लालू यादव जी ने छात्र रहे हैं, लालू यादव जी जेल गए, लालू यादव जी डंटे खाए, लालू यादव जी एमपी बने, विपक्ष के नेता बने, तब जाके लालू यादव का नाम आया। किसी भी नेता को आप देख लीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी हुआ, कितने बार चुनाव हारे, 2 बार चुनाव हारे, उसके बाद गए, तो एक दिन में अगर कोई कहेगा कि हम नेता बन जाएंगे तो बेवकूफ होता है, और वो बेवकूफी अभी कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे थे तेजस्वी यादव, उनको संघर्ष करना ही होगा, ये मोह छोड़ देना हुआ कि हम सीएम बन रहे हैं, ये जनता के बीच में जाकर के जनता के सामने बोले कि हम आपके पास आए, आपकी सेवा करने हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बन सकते हैं। संतोष सुमन जी, आप भी लंबे समय से हैं राजनीति में, आपने भी सुना होगा एक समय था जब लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि हरा गमछा मुरेठा लाइसेंस है, अब उस लाइसेंस को ही खारिज कर दिया तेजस्वी यादव ने, अब कह रहे हैं कि बैचेस लगाने हैं, टोपी पहनना है। अब मैंने तो बोला ना कि कुछ थोड़ी सद्बुद्धि आई है, और यही जो आदमी फील्ड में रहता है, जब संघर्ष करता है तो कुछ सीख मिलता है, तो यही तो मेरी सलाह है कि आप अभी 10 साल रहिए, लोगों के बीच में रहिए, संघर्ष कीजिए, आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपको इतना ज्ञान मिलेगा, और तब जाकर के आप सोचिए कि हम बिहार का नेतृत्व करें। अभी
10 साल तक मतलब तेजस्वी यादव का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा है सीएम की कुर्सी पर, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अभी तो जी स्थिति है, आज चुनाव हो जाए तो उनके उन 20 से 15 सीट पर सिमट जाएंगे। लेकिन आज तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगर 2020 के चुनाव में बेईमानी नहीं होती तो कब का जीत जाते, कब का महागठबंधन की सरकार बन जाती, बेईमानी का आरोप लगा रहे आप लोगों पर। अब तो हम ऐसे उस समय जमाने की बात करेंगे, 2005 से पहले की बात, बूथ कैप्चरिंग नहीं करते उनके लट है, अगर गांव में जाकर कैप्चर नहीं करते तो लालू यादव की सरकार नहीं बनती, तो कहने को तो कुछ भी कोई कह सकता है। देखिए उससे क्या मतलब है, रिजल्ट क्या है, सामने क्या दिखता है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, उस पर हमको टिप्पणी करनी चाहिए। ये हो जाता ये नहीं होता तो केजरीवाल जी नहीं आते तो फिर लालू जी सरकार बन जाती। वो तो लाठी के बल पर ही सरकार बनाते थे ना, उनके लटैत हम लोग याद है, हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं सुदूर इलाका जिसको बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र है, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है, कैसे उनके लटैत तो कहां पर वोटिंग होता था उस चीज को भी हम देखे हैं कि क्लस्टर सेंटर पर कैसे उनके लटैत जाके वोट मारते, मिला माननीय बीपी सिंह के टाइम में, उसके बाद दोबारा तो लूट के चुनाव जीते हैं। तो देखिए ये सब कहना बेकार बात है कि धांधली से हुआ, ये हुआ बेईमानी से हुआ उन्होंने कहा, ये सब कहना गलत बात है। अगर बेईमानी से हुआ तो आप क्यों पार्ट बन गए फिर उस सरकार के, तो आपको तो जनता के बीच में ही रहना चाहिए। आप तो कह रहे हैं ना कि अब दरवाजे बंद हो गए हैं, गिरगिराने और फिर कल्याण का पूरा रास्ता बंद कर दिया तेजस्वी यादव ने, उन्होंने और ये तक कहा कि नीतीश कुमार का कॉल आया था। अब देखिए दरवाजे किसी के घर के दरवाजे हैं ही नहीं, हो कहता दरवाजे बंद करेंगे, आपके दरवाजे ही नहीं है, उनके पास क्या है? हाँ। विपक्ष के नेता हैं, उनके पास सत्ता है नहीं, तो सत्ता रूपी दरवाजा तो उनके पास है नहीं, तो बंद किस बात के लिए करेंगे? क्यों उनके पास नीतीश कुमार जी जाएंगे, माननीय नीतीश कुमार जी अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास क्या क्यों जाएंगे, उनके पास जाने से क्या उनको फायदा होने वाला है? ये तो आम जनता भी समझ रही है, जितना बोलेंगे उतना ही उनकी भद पिटेगी। हम तो यही कह रहे हैं को कम बोलें और जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी उनको फायदा है। अभी 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कह रहे थे तेजस्वी यादव, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं वो। अब बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने को हम भी बोल सकते हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि हमने ही नौकरियां दिया, नीतीश कुमार जी नहीं दे रहे हमारे कारण से नौकरियां, तो आज भी मिल रही है, अब उस पर वो चुप हो गए। अब कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, जब उनको बनना ही नहीं है तो उनके पर विश्वास जनता क्यों करे? 200 यूनिट फ्री कर देंगे, कभी कुछ कहेंगे तो वो तो केजरीवाल मॉडल सोच रहे हैं कि हम अपनाना चाहें, केजरीवाल जी को दिल्ली में फायदा हुआ तो सोच रहे हैं यहाँ भी होगा, तो ये सब भ्रम फैलाने की स्थितियां हैं और कुछ नहीं है। फैलाने दीजिए, बोलने दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, सबको अधिकार है कुछ बोलने का, लेकिन जनता सब समझती है, जनता जिन पर विश्वास करती है, जनता जान रही है कि बिहार का भला किसमें है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, आने वाला 25 में अगर औद्योगिक क्रांति यहाँ आना है, उद्योग धंधे लगने हैं तो एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है, नहीं तो बिहार फिर बैकवर्ड गियर में चला जाएगा। तो बैक गियर में हम ना जाके फ्रंट गियर में रहें और टॉप गियर में रहें, इसके लिए एनडीए की सरकार है, जनता समझती है। और आपको मैं आज बता देना चाहता हूं कि 25 के चुनाव देखेंगे कि आज के जो बहुमत उससे कहीं ज्यादा से हमारी सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव जी को भी विपक्ष में ही रहना। लोकसभा में तो झटका लगा ना सर, बीजेपी को झटका लगा, जो चुनाव 2019 में जो मात्रा थी वो घट गई थी। देखिए किसी चुनाव से अगर आप तुलना करेंगे तो वो बात नहीं, लोकतंत्र की ताकत तो यही होती है चुनाव, जनता चुनती है, वोट के माध्यम से पता चलता है इस बार कितना प्यार मिला पार्टी। अगर बिहार के परस्पेक्टिव से बात करेंगे तो 167 सीट पर एनडीए ने लीड किया विधानसभा के, तो अभी 167 का मतलब होता है बहुमत, तो अगर उस लिहाज से भी करेंगे तो 30 सीट यहाँ 40 में 30 सीट एनडीए ने जीता है, एक सीट निर्दलीय जीते और भी जगह कड़ा फाइट हुआ। तो देखिए ये सब जनता का अपना मैंडेट होता है, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता का जो भी आदेश होता है जनादेश को हमको स्वीकार करना चाहिए, और आज भी जनता का जो आदेश है, जनता का जो आशीर्वाद है, एनडीए के पक्ष में है। हम विधानसभा आज भी करेंगे तो हम बहुमत हमको लोकसभा के हिसाब से मिला है, और इसको हम लोग और आगे बढ़ाने के 167 सीट पर है, तो उसको हम 180 सीट और 190 सीट पर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो बिहार में आप देखेंगे कि 25 में 190 से अधिक सीट एनडीए जीतेगी।